हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय 3D फिजिक्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना आता है और जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेप के बेसिस पर तीन तरह के कैपेसिटर हमारे पास हैं, पैरेलल प्लेट जिसमें दो पैरेलल प्लेट होंगी, दूसरा हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंडर कैपेसिटर। सिलेंडर और स्फेरिकल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जो स्फेरिकल कैपेसिटर है कभी कभार उसके ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेती है, या आपका आप जब एंट्रेंस देने जाते हैं तो उसके अंदर भी स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप IIT और JEE के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम पहले बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले हमारे पास स्फेरिकल, तो सिंपल सा है, हमारे पास मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है। ठीक है भाई, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। सो हम जानते हैं दी पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय, क्या था भाई, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। के क्यू अपॉन में आर मतलब वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। क्यू हमारे पास क्या है, नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है इसका, जो इसके सरफेस पे है स्फेरिकल कंडक्टर के पास, जो कैपेसिटर के पास जो हमारे पास चार्ज है। आर क्या है, रेडियस है, तो आर क्या होगी हमारे पास, आर है रेडियस। ठीक है भाई, और क्यू का है, क्यू है चार्ज, आई होप ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एज वी नो डेट हम क्या जानते हैं भाई कि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है भाई, सबको पता ही है, तो प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। तो यहां से अगर मैं सी निकाल तो क्या आएगा हमारे पास, तो सी इज इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन में वी। Now putting the value of the potential, putting the value of the capacitor, क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो आएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से आप सीधे देख सकते हैं कि जो C है वो R के प्रोपोर्शनल है प्योरली, मतलब जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा उसकी रेडियस होगी उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, आप ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा बात, दूसरा डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कौन सा, डायलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीजों पे, एक तो रेडियस पर और एक परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम पर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, सो ये तो बात होगी हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर की। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा मेन जो टॉपिक जो पेपर में सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम दो पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है भाई, सो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम मान रहे हैं कि ये डी डिस्टेंस से अपार्ट है। सो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सो दो प्लेट्स का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो डी है, और लेट कर लो कि जो ए है ये है एरिया ऑफ द प्लेट्स,
दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, और प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स है हमारे पास, ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमारा प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई, इसकी प्लस सिग्मा है और इसकी हमारे पास क्या है, इसकी माइनस सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? नाउ वी नो डैट, वी नो डैट कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वी, जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वी होता है माइनस, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, वो होती है माइनस डी वी अपॉन में डी आर। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल, ये डिस्टेंस ई मान लेते हैं बहुत स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, देर फोर जो ई होगा हमारे पास वो वी अपॉन में डी हो जाएगा, ध्यान रखना। ई आप जानते हैं ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देर फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा ई डी, ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल। अब द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, दोनों कंडक्टर की प्लेट्स के बीच में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, बाकी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आप सब जानते ही हैं, ये पहले के लेक्चर में मैंने बताया, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। अब जैसे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एंड सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट कर लो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू टोटल चार्ज इसका, तो क्यू ओपन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओपन में आ जाएगा एरिया ए, वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर पुटिंग अबव, ऊपर पुट करने हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन है हमारे पास, सो क्या है हमारे पास, पुटिंग दिस, इनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इनके बीच में, ये ध्यान रखेंगे आप, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ठीक है भाई। सो पुटिंग दिस, पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ये हमारे पास इक्वेशन वन है, तो वहां पर आएगा वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वी इज इक्वल टू ई डी है, तो ई की जगह हम रख देंगे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, सो ये आ गया वी क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, इतना पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है। क्लियर? सो सो देखिए, देयरफॉर वी नो डैट क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो सी इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसके अंदर, जब मैं V की वैल्यू पुट करूंगा तो V की वैल्यू हमारे पास आई है Q D A एप्सिलॉन नॉट, जब ये ऊपर जाएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, ये रहेगा Q इंटू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q D, तो यहां से मैं ये साफ देख रहा हूं कि Q से Q कट जाएगा और मेरे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। सो ये हमारे पास आती है वैल्यू किसकी, जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा वो आएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, सो दिस इज दी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो यहां से हमें क्या चीज पता चलती है, सो यहां से पता चलता है कि जो C की वैल्यू है, ये C आया है A epsilon not upon में D,
तो जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है, पहला है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ द प्लेट, क्या है ये, एरिया ऑफ द प्लेट्स, तो जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है हमारे पास, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो इस डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा प्लेट्स दूर होंगी उतना कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और तीसरा है सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। सो इन तीन चीजों पर प्योरली मेनली जो हमारे पास कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर प्लेट के बीच के डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये प्योर तीन चीजें हैं जिन पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करेगा और परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि इन प्लेट्स के बीच में होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आपको मेरा अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप देख रहे थे माई 3D फिजिक्स विद विकास सिंह।